नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल ते सिविल कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर हम पीडब्ल्यूडी में लाइसेंस बनवाते हैं तो हम कौन कौन से विभागों में काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है। जब भी मेरे से फ़ोन पे बात होती है तो लोग इस बात को पूछते हैं, सर मुझे इस विभाग में काम करना है, इसके लिए कौन सी विभाग का, किसका मैं लाइसेंस बनवाऊँ, या पीडब्ल्यूडी में बनवाऊँ, या फिर नगर पालिका या नगर परिषद, या किस चीज़ का लाइसेंस मुझे बनवाना है। तो दोस्तों, आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें कि आप जिस विभाग में भी लाइसेंस बनवाते हो, पहली बात तो मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ। ये होता क्या है, हर जगह का अलग अलग रूल होता है। मेरी कई लोगों से बात होती है, किसी ने मेरे से एक बात हुई थी अभी एक दो दिन पहले, तो वो कह रहे थे कि हमने पीएचईडी जो विभाग होता है उसके अंदर मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए बोला है और वो करवा रहा हूँ, तो उसके अंदर सिर्फ दो ही विभाग आते हैं। दोस्तों, आप इन चीज़ों को जिस विभाग में काम कर रहे हैं उस विभाग का रजिस्ट्रेशन आप अलग से करवा सकते हो, लेकिन अगर आपको एक ज़्यादा वो मिल जाती है, जैसे पीडब्ल्यूडी है, तो पीडब्ल्यूडी के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो इसके अंदर कई सारे विभाग आते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ये रूल अलग भी हो सकता है। कहीं पे पीडब्ल्यूडी के अंदर पीडब्ल्यूडी के साथ साथ में एक आध विभाग ही देते हैं, कहीं पे कई सारे विभाग हैं। नगर पालिका में भी आप नगर पालिका या नगर परिषद उनमें भी इससे काम कर सकते हो, पीएचईडी में भी काम कर सकते हो, और विद्युत विभाग हो गया उसमें भी कर सकते हो। मतलब बहुत सारे विभाग हैं जिसमें पीडब्ल्यूडी का रजिस्ट्रेशन करवाने से आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले इस बात को ज़रूर देखें, इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कर लें, ये मेरे मतलब मैं अपनी उससे बता रहा हूँ कि आप जिसमें भी करवाएं तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखें कि एक विभाग से अच्छा है कि हमें चार विभाग, दस विभाग या ज़्यादा से ज़्यादा विभागों में काम करने के लिए जिस रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा मिले वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। आप पहले इस चीज़ को देखो, जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। मैं पहले भी कह चुका हूँ आप लोगों से, रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आप कई चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, उसमें बात करें कि सर मुझे ये रजिस्ट्रेशन करवाना है, इससे हम कितने विभागों में काम कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी में जाके पता कर लें, और कोई विभाग में अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उनमें भी पता कर लें, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका कि रजिस्ट्रेशन किस विभाग में, लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि आपने जिसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया। हाँ, हो सकता है वहाँ पर थोड़ा सस्ता, और ये सस्ता होता है कि वहाँ पर सिक्योरिटी मनी वगैरह जो होती है और विभागों में कम लगती हो, इसमें ज़्यादा लगता है, लेकिन इसके फ़ायदा ये है कि आप लोगों को अगर आप पीडब्ल्यूडी में करवाते तो आपको कई सारे विभाग मिल जाते हैं, तो उससे आपको काम करने के लिए बहुत सारी जगह होती है, वहाँ पे आप टेंडर भर सकते हो, तो बहुत सारे काम आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल जाते हैं। आप एक विभाग में अगर आप काम करते हो तो उसके लिए आपको टेंडरों की कमी पड़ सकती है, क्योंकि इतने टेंडर, ज़्यादा जो टेंडर होते हैं उनके लिए आप भरने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं एक विभाग में, तो इसलिए आप 10 विभागों का बना के रखें, ज़्यादा ज़्यादा 4-5 विभाग ज़्यादा पकड़ के रखें, उनमें आप काम करोगे तो आपको बहुत सारे काम भी मिल जाएंगे और आपको कंटिन्यू काम करते रह सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरीके की बातें और ये पीडब्ल्यूडी या कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठेकेदारी के बारे में अगर किसी प्रकार की आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आप मेरे से बात कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपको लाइक करने के लिए पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स आती है, मैं इतनी जानकारी आपको देता हूँ उसके बावजूद भी एक लाइक करने में दिक्कत आती है, या एक कमेंट भी कर सकते हो कि हमें अच्छा लगा है वीडियो, तो इसमें एक कमेंट करके बताएं, जिससे और लोगों के भी ये वीडियो पहुँचे और उनसे किसी का भला हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ते सिविल कॉन्टैक्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।